अम्मी ये कितना अच्छा है ना, मैं इसकी शादी पे ना यही वाला पहनूंगी। ये तुमने लिपस्टिक इतनी डार्क क्यों लगाई हुई है? जो जाके साफ करो, तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे। फजर जाके साफ करो, अब्बा ने देख लिया ना तो तुम्हारी तबीयत साफ कर देंगे। हाँ दे अम्मी, कभी तो आप हमारा साथ दे दिया करें। एक तो ना आपको पता है कि मुझे कितना शौक है मेकअप करने का, अच्छे कपड़े पहनने का, ज्वेलरी पहनने का। अब्बा की वजह से ना कितने शौक मारने पड़ते हैं। ठीक ही तो कहते हैं, कवारी लड़कियां सादगी में ही अच्छी लगती है। अरे ये बनाओ सिंगार तो शादी के बाद सारी जिंदगी चलता रहेगा। रहने दे अम्मी, मैंने तो आज तक आपको किसी बनाओ सिंगार में नहीं देखा। जब से होश संभाला है वही सादा कपड़े, वही चुटिया और मेकअप के नाम पे सिर्फ एक क्रीम, बस। बस कर दो फजर, तुम कितना बोलने लगी हो। मुझे लगता है अब्बा आ गए। उठाओ, मूड खराब हो जाएगा अब्बा का। चलो ना। ओहो, तौबा 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 तौबा। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कयामत के आसार है भाई। ओए शर्मो हया के तो जनाजे निकल गए। ये अपने मुबीन साहब नहीं है? अरे उनकी बेटियां इतने तंग लिबास पहनकर मोहल्ले में यूं मुंह उठाए घूमती हैं। तौबा, अल्लाह पूछे इनको। अस्सलाम वालेकुम बाबा, चाय। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो, माशाल्लाह। और एक मेरी बेटियां हैं, पर्देदार, दीनदार, शर्मो हया वाली। कसम से घर आता हूँ ना, तबीयत खुश हो जाती। और क्यों ना हो बे, जैसा बाप वैसी औलाद। आखिर तरबियत भी तो मैंने ही की है ना इनकी। आप तरबियत की सरासर ज्यादती है हमारे साथ। क्या कहा है तुमने? अब्बा वो मैं कह रही थी कि आप इशा की नमाज पढ़ने जाएंगे तो आते हुए स्पेगेटीज का पैकेट ले आइएगा, वो चाइनीज बनाने को दिल कर रहा था। ये जो तुम्हारी फजूल खर्ची है ना, और ये जो चटोरेपन की आदत है, सख्त तंग हूं इससे मैं। अरे ये तुम्हारी बहन है ना इर्सा, आज तक इसने कोई उल्टी सीधी चीज नहीं मांगी है मुझसे। वो फियासब वाले भी नए किराएदार आए। हाँ, अजीब अजीब तरह के लोग आते जा रहे हैं मोहल्ले में। एक तो मुझे ये सलीम साहब की समझ नहीं आती है। अरे हर साल नए किराएदार ले आते हैं और कोई पता नहीं किस नीच गली मोहल्ले से उठ के और शरीफों के इलाके में आके बस जाते हैं। हद हो गई है, अब पता नहीं कौन कैसा है। देखो तुम एहतियात करना, अब ये मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? हटो। जाओ जाके बच्चे खाने में काम देखो। चलो हाँ यार, शिफ्टिंग तो हो गई है, बस एक दो दिन में घर की कंप्लीट सेटिंग भी हो जाएगी। नहीं नहीं खरीदा है, रेंट वेंट पे नहीं। तो आना किसी दिन। हाँ हाँ मौला भी बिल्कुल ठीक ही है यार, चल मैं रखता हूँ। तुम छत पे करने क्या गई थी है? अरे तुम्हारी माँ की टांगों में दर्द ही था ना, कोई टूटी तो नहीं हुई थी ना, जो इसने मुंह उठा के तुम्हें ऊपर भेज दिया। कुछ अंदाजा भी है तुम लोगों को इस वक्त कितने ओबाश लड़के जो है वो छतों पे चढ़े होते हैं? और ये जो नए हमसाए आए हैं, उनका वो नजरबाज लड़का हर वक्त छत से लटका रहता है, हर वक्त छत से लटका रहता है। की है मैंने मोहल्ले में दो चार लोगों से बात उसकी,
लोचा, लफंगा, लुच्चा। अब्बू जी गलती हो गई, माफ कर दे, आइंदा से नहीं होगी। आइंदा अगर ऐसा हुआ भी ना तो इसी छत से धक्का दे दूंगा तुझे नीचे मैं। आइंदा नहीं होगा कि बच्ची। कैसे हो सकता है कि मुझे एक लड़की पसंद आए और उसका नाम तक मालूम ना हो। फजर नाम है उसका। दो बहनें हैं, एक बहन की शादी होने वाली है और अब सरकारी मुनाजिम है। काफी सख्त किस्म का इंसान है, इसलिए अपनी बीवी और अपनी बेटियों को पर्दा कराता। अच्छा, इसका मतलब फिर तेरा चांस तो नहीं लग सकता यार, है? अरे उम्मीद पे दुनिया कायम है मेरे दोस्त। दिल कहता है कि वो जरूर आएगा, उसका दीदार होगा। तो इसलिए तू रोज छत पर आकर बैठ जाता है? वैसे उसके बाप का काफी बार दीदार हुआ है, वो भी काफी खूंखार नजरों से, लेकिन वो नजर नहीं। इसका मतलब काफी डरती है अपने अब्बा से। वैसे उसके अब्बा कोई टीचर वगैरह हैं क्या? नहीं यार, अब्बा बता रहे थे कि सख्त किस्म का इंसान बनता है लेकिन है नहीं नरम दिल का। उसकी नजरें ठीक नहीं है इसलिए बेटियों पे इतनी सख्ती करता है। और मोहल्ले की औरतें भी यही बताई थी कि खुद की नजर उसकी ठीक नहीं है, शायद यही वजह हो सकती है। ओए इधर आ, इधर आ, जल्दी जल्दी आ। तो वो देख, इसे कहते हैं कुदरत। मैं भी आता हूं। आ जा रहा है? अरे आ रहा हूं यार। अब्बा जान से मार देंगे, पता है ना अब्बा का। एक तो मुझे अब्बा की समझ में नहीं आती। आप, मेरा नाम जैन है, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। अच्छा चलो यहाँ से। अरे साहब आप प्लीज घबराएं नहीं, आप मुझे गलत समझिए, मैं तो बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अरे बेगैरत इंसान, अरे शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटियों का रास्ता रोक कर, अरे तुम तो जाओ यहाँ से। क्या खड़ी क्या कर रही हो? चलो घर। क्या करे घर बांध छोड़े आप मेरा? ऐसे छोड़ू क्यों छोड़ू तेरा गिरेबान? बड़े दिनों से मैं देख रहा हूँ, अरे मेरी बेटियों को ताड़ता है तू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे तेरी आंखें निकाल दूंगा मैं। क्योंकि तो पीछे हट, छोड़ दे इसे। तमाशा बना दिया अब्बा ने हमारा, अरे बाजार में हमारी इज्जत का जुलूस निकाल दी। उसकी नहीं, खुद की बेइज्जती की है उन्होंने। इसी बात का तो डर था मुझे, आए दिन मोहल्ले के लड़कों के पीछे पड़े रहते हैं। वो नजर का ठीक नहीं है, वो नजर बद है, औरतों का पीछा करता है, उसकी नजर में औरतों के लिए शर्म हया नहीं है। और उनको तो सिवाय अपने मोहल्ले में कोई शरीफ दिखाई देता ही नहीं है। कितना मारा होगा उस लड़के को। तुझे इसकी इतनी फिकर की हो रही है? अपनी जबान को ना चुपचाप ताला लगा के बैठ, वरना तुम्हारी जबान काट कर तुम्हारा बाप फेंक देगा। हाँ काट दे मेरी जबान, क्योंकि मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मम्मी, हमें वाकई अब्बा बहुत ज्यादती कर दे। आखिर मसला क्या है उस लड़की में? पढ़ा लिखा लगता है, समझदार है। अरे तुम्हारा बाप तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सारा दिन घर से बाहर रहते, उन्हें जमाने की ऊंच नीच का पता है, इसीलिए तुम दोनों की फिक्र में रहते हो। सख्ती और जबर में फर्क होता है। अब्बा ने अपने अंदर के खौफ को हम पर मुसल्लत कर रखा है। दुनिया के लोग हमारे जैसे हैं, यहाँ पे कोई खलाई मखलूक तो नहीं रहती। जो अब्बा हर वक्त इतने इनसिक्योर रहते हैं, और पिछले साल वो सलीमा की अम्मी जो अब्बा की शिकायत लगाने आई थी वो भूल गई है आप। अपनी खानदान की इज्जत का पास है हम भी। अब्बा को क्यों लगता है कि हम घर से बाहर निकलते उनकी इज्जत का जनाजा निकाल देंगे? वो हम पे यकीन क्यों नहीं करते? उन्हें अपनी बेटियों पर एतबार क्यों नहीं?
हरकतें, पता नहीं है क्या उन्हें। अरे चुप कर जाओ, तुम्हारा बाप आने वाला है। मैं अंदर जा रही हूँ। अब आ गए ना बिला वजह जान से मार देंगे। मैं जा रही हूँ अंदर। अल्लाह मैं क्या करूँ इन लड़कियों का। तुझे जरूरत क्या थी हीरो बनने की? भाग जाता ना वहां से। क्या मैं बेगैरत नहीं जो वहां से भाग जाता? और मैंने उनकी बेटी को कहा क्या था जिससे बड़े मियाँ फट पड़े मुझ पे? यार इतनी भी खास नहीं है वो लड़की जिसकी खातिर पिट कर आ गया तू। नहीं यार, खास तो है वो, तभी तो इस चोट का मुझे दर्द नहीं हो रहा। खैर गलती मेरी थी, मुझे भी बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम अम्मा को भेजूंगा उसके घर। तो पहले करना था ना ये काम, अब तो बड़े मियाँ किसी सूरत नहीं मानेंगे भाई। गलती हो गई, अब इस गलती का आज तो भरना पड़ेगा ना मुझे। टेंशन ना ले, ठीक हो जाएगा। चल। क्या मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो भी उसने कम में नालायक सफदर के साथ? तो क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, अभी मैंने अब्बू को बात करते हुए सुना है पप्पू से। वो तो पप्पू को यही कह रहे थे उन्हें मंजूर है वो रिश्ता ले जाए, बल्कि उसके हमारी रुख्सत ही साथ करने की बात कर रहे थे। ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब्बू ने बचपन से हम पे जुल्म और ज्यादतियां की हैं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं इस घर से भाग जाऊंगी। पता है ना अगर अब्बू ने सुन लिया ना कयामत आ जाएगी यहाँ पे। तो आ जाए कयामत, बचपन से इस घर में कयामत का शोर मचता है और हमें चुप करा दिया जाता है, हमारी हंसी खुशी सब दबा दी जाती है। हमें कुछ बोलने का हक नहीं है, हमें हंसने का हक नहीं है, हमें छत पे जाने का हक नहीं है, हमें बाहर जाने का हक नहीं है, हमें किसी से बात करने का हक नहीं है। हमें पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है अब्बू ने। तुम्हारी शादी भी अपने जानने वालों में अपनी मर्जी से कर दी। ये बहुत अच्छे और दीनदार लोग हैं, वो तो कुछ अरसे में उनकी असलियत सामने आई कि वो कितने लालची और खुदगर्ज लोग हैं। अब्बू जैसे लोगों को इसी तरह से समझ में आता। फजर मुझे ना तुम्हारी बातों से बहुत डर लग रहा है। कोई पसंद है? पसंद? बताओ मुझे, तुम्हें लगता है कि मुझे इस घर में इजाजत है इस चीज की कि मैं अपनी पसंद नापसंद बता सकूं? ये हक तो किसी को भी नहीं दे सकता कि लड़की से उसकी पसंद पूछी जाए। हमारे मजहब में तो ये इजाजत है, लेकिन अब्बू जैसे लोग तो ऐसी बातें नहीं मानते। परेशान नहीं हो, अम्मी ने कहा है वो अब्बू से बात करेंगी। अम्मी करेंगी बात, वो बात करें या ना करें, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। मैं ये ना इंसाफी अपने साथ होने नहीं दूंगी। बस अम्मी बात करेंगी ना? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, सबर करो। कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम, अरे तुम्हारी जुर्रत कैसे मेरा दरवाजा खटखटा देगी? भाई साहब क्या बात है, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? अगर आप इजाजत दें तो हम अंदर आ जाएं, कुछ बात करना चाहते। मुझे कोई बात बात नहीं करनी आपसे, जाएं आप लोग। अरे आप जैसे लोगों से बात करना तो मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। आप लोग आ कैसे गए मेरे घर में? चले निकले यहाँ से भाई। लेकिन भाई साहब आप बात नहीं ना करनी मुझे कोई बात, जाए आप लोग यहाँ से निकले। रहने दीजिए, रहने दे। चलिए आ गया, मुंह उठा के जाओ जाओ, जाए जाए निकले। शर्म नहीं आती, हरकतें देखो अपनी क्या है तुम्हारी। अब बात करने आ गए हैं मेरे घर में, मेरे साथ है, हद होती है भाई। ज़ैन क्या हो गया बेटा तुम्हें? अब छोड़ दो इस किस्से को। बहुत सी लड़कियां हैं खूबसूरत समझदार पढ़ी लिखी, उनमें से मैं ढूंढ लूंगी तुम्हारे लिए कोई भी एक। अम्मी मैं फजर से ही शादी करूंगा, इसके अलावा मैं किसी लड़की के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या हो गया तुम्हें?
बेटा शादी दो खानदानों का मेल होता है, सिर्फ यही नहीं कि लड़की से शादी की और उसे ब्याह कर घर ले आए, दो खानदान जुड़ते हैं आपस में। और ये फयाज भाई से रिश्तेदारी करके तो हम फंस जाएंगे, इतने शक्की वहमी छोटे दिल और जर्फ के इंसान है वो, दो मिनट में किसी को भी जलील कर देते, किसी का कोई अदब कोई लिहाज है ही नहीं उनमें। हम इस मौजू पर बातों बात करें, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है, बातों बात करते हैं। कितनी प्यारी लग रही हो, बड़ी टशे निकाली हुई आज तुमने। ये तो बस तुम्हारी आंखों का हुसन है, वरना मैं तो वही हूँ तुम्हारी नीलोफर। वो बस दिल किया थोड़ा सजने सवरने का तो पहन लिया ये जोड़ा। पहना करो ना, बहुत अच्छी लग रही हो, ये कलर बहुत सूट कर रहा है तुमको। अभी जा रहे हैं ना शॉपिंग पर, दिला देना दो चार जोड़े और। अरे जितने कहोगी दिला दूंगा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आओ ना बैठो, देर हो रही है, आओ आओ। क्या हुआ जैन, खैर है ना? तुमने देखा नहीं क्या उन्हें? अब हाँ, फयाज साहब ही थे ना वो। फयाज साहब थे, बड़ी अय्याशी कर रहे थे। औरत कौन थी? पता नहीं यार, वो लड़की कौन थी? बड़े मजे से वहां बैठ के उसके साथ फालूदा खाया जा रहा था, और यहाँ हमारे साथ जो आ रहा है उस पे रोक टोक, खुद वहां उस लड़की के साथ बैठ के। छोड़ यार। अरे छोड़ यार, किन बातों में लग गया, कल घर चल, ऐसे ही रास्ते में बैठ गया। हाँ चल यार। एक तो तुम्हारे अब्बा से कहा था कि लड़के के लिए कहीं ढंग की शॉप से कपड़े खरीद के ले आए, पता नहीं कौन से सस्ते बाजार से उठा के ले आए, और कह रहे हैं कि बस शॉपिंग बस, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। हमें नहीं होंगे अबू के पास पैसे, इस बार उन्हें तनख्वाह भी कम मिली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग वो माजरत चाहते हैं, असल में आपका दरवाजा खुला हुआ था तो हम अंदर आ गए। अम्मी मैंने आपको कहा था ना कि मैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए हमें मालूम था कि आज फयाज साहब घर पर नहीं है, इसीलिए हम मिलने आए हैं। जी आज के दिन वो जाते हैं तो वही होंगे। जी आंटी, वो किस महफिल में जाते हैं मुझे पता। अच्छा बेटा तुम भी वहां जाते हो? अल्लाह ना करे, मेरा मतलब है नहीं नहीं। अच्छा आए बैठे आप। शुक्रिया। वो दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी।
मेरा बेटा जैन आपकी बेटी फजर को बहुत पसंद करता है। खुदा के लिए खामोश हो जाइए, अगर फियाज साहब ने सुन लिया तो घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। बहन मैं तो आपकी बेटी का रिश्ता लेने आई हूँ, मैं उसे इज्जत से बिहा कर अपने घर ले जाना चाहती हूँ। चाय लेके आती हूँ, मैं भी आ रही हूँ। जैन अच्छा लड़का है ना, फैमिली भी पढ़ी लिखी डिसेंट है, लेकिन अब्बा अब्बा तो सफदर के साथ मेरा नसीब फोड़कर बहुत ही मुतमईन हो गए। देखा नहीं अब तो कितना कितना वक्त घर से बाहर गुजारने लगे। शुक्र करो कि पप्पू के आंखों के ऑपरेशन की वजह से वो कराची नहीं आई है। जब तक वो कराची आएंगी ना, अब्बा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पानी पानी मिल सकता? जी जी जरूर। ही लीजिए। थैंक यू। चाय में दो चम्मच चीनी। बस एक बात बोलूं, अपने अब्बू की चाय में ना 4-5 चम्मच चीनी डाला करें, करवाहट जो है उनके अंदर थोड़ी मिठास आ जाएगी। वैसे I'm sorry, उस दिन आपको हमारी वजह से। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, आपको मेरा नाम कैसे पता था? ये तो फजर का नाम भी मालूम है, कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं, ये सुबह 8:15 में पिक होती हैं, 2:10 पे इनकी छुट्टी होती है, ग्रीन कलर में बहुत ज्यादा पसंद है और ग्रीन कलर के शेड से कपड़े इनके पास बहुत ज्यादा है। बस कर दे, दीवारों के भी कान होते हैं और हमारे घर के दीवारों के वैसे ही बहुत बड़े कान। ओके, बाकी के मालूमात हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, चलता हूं। इतना कुछ कैसे पता है? तुम्हारी क्यों बोलती बंद हो जाती है उसके सामने? ऐसे तो बड़ा पटर पटर बोलती हो। हमारे घर में जो भी फैसले होते हैं वो फियाज साहब करते हैं, और उनसे पूछे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर होगा। क्यों आंटी? क्योंकि उनकी नजर में मैं एक लफंगा और आवारा लड़का हूँ, लड़कियों पे पूरी नजर रखता हूँ इसलिए। बहन आप यकीन कीजिए, मेरा बेटा बिल्कुल भी नजरबाज और हल्के किरदार का नहीं है। मेरा जहन तो बहुत ही बाकिरदार और नेक है। इसकी गवाही आप इसके ऑफिस में साथ काम करने वालों, मोहल्ले वालों, दोस्त अहबाब से ले सकते हैं, बल्कि आप फयाज साहब से कहें कि वो मालूमात करवा लें। फयाज साहब वो फयाज साहब आगे मैं देख कर आती हूँ। अंदर आओ, चलो अंदर आओ। ये आपके शौहर है? जी जी फियाज साहब, ये क्या है? अरे शुक्र करे बीबी, ये जिंदा सलामत आ गया है, वरना जैसी इसकी हरकतें है ना, ये 4 कंधों पर ही आता। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये रंगरलिया मना रहा था। अरे उस लड़की के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इनकी कुट लगाई है, अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते इसका क्या होता ये हमें पता नहीं। अब इन्हें संभालें और समझाएं कि अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें ना करें, अच्छा नहीं लगता। जाइए चलो। कई बार तो मैंने आपको मुख्तलिफ औरतों के साथ हंसते हुए देखा, बात करते हुए देखा, तोहफे तवायफ देते हुए देखा है, और तो और मोहल्ले की कितनी औरतें हैं जो आपको देख के अपना रास्ता बदल लेती हैं। ये सब देखने के बाद मुझे समझ में आया आप अपने घर में इतनी सख्तियां क्यों करते हैं, क्योंकि आपके अंदर आदत है दूसरे के घरों में झांकने की। इसी वजह से आपने अपने घर की दीवारों को ऊंची कर रखा है, क्योंकि आपके दिल में चोर है। अफसोस होता है मुझे आप पर। आप
अपने ही घर वालों के सामने दिखावा करते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं, पाक साफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अफसोस। ये सब क्या है अबू? आप तो सारी जिंदगी ये कहते रहे कि कहीं आपका सर हमारी वजह से शर्म से ना झुक जाए, मगर आज तो हमारा सर आपकी वजह से शर्म से झुक गया। वो सब क्या था? झूठ, दिखावा? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं अबू, कैसे माफ कर दूं आपको? आपने सारी जिंदगी अपने गुनाहों पर पर्दा डाला, हमें कैद में रखा। आपसे अच्छे तो वो गली के गुंडे बदमाश लोग हैं जो जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। आपकी तरह नेक और पारसा बनने का दिखावा तो नहीं करते? बस कर दो फज, बस कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अपने लिए पे शर्मिंदा हो। और हमारी शर्मिंदगी का क्या अबू? आपने तो हमें शर्मिंदा कर दिया है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे तो शर्म आ रही है आज आपको अपना बाप कहते हुए। आपने किस तरह से हमारे सामने शर्म हया का ढोंग रचा के रखा था। कुदरत ने आज आपका असल रूप हमें दिखा दिया अबू। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चलो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे। मुझे माफ कर दो।